Good morning to everybody. It's me, Pritha Sir from Tapaswi Classes, Junagadh. Today we are going to start fifth part of the chapter number one, The Portrait of a Lady, written by one of the greatest novelists, Khuswant Singh Gaur. Right, of chapter number one, the class 11, English First Language, NCERT. We have already completed four part of this chapter. But before we start the fifth part, just try to recap where we left in the story. Ke story mein hum kahan the? जरा वो याद कर लीजिए. बहुत अच्छे से रिलेशन जा रहा था, बहुत अच्छे से खुशवंत सिंह और उसकी दादी का रिलेशनशिप. दादी उसे जगाती थी, नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, नाश्ता कराती थी, सब कुछ. बहुत अच्छे से रिलेशन, वो उसको स्कूल पर छोड़ने भी आती थी, रास्ते पर वो डॉग्स के लिए चपाटी लेके जाती थी, सब कुछ. बहुत अच्छे से रिलेशनशिप जा रहा था. गाँव में रहते थे वो पेरेंट्स, दादी के पास खुशवंत सिंह को छोड़ के चले गए थे सिटी में रहने के लिए, सेटल होने के लिए. जब वो सेटल हो गए, तब यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है, राइट. जब वो सेटल हो गए सिटी में, तब उन्होंने दादी को और खुशवंत सिंह को, दोनों को शहर में बुला लिया. यहाँ क्या होता है, यहाँ स्कूल पर छोड़ने नहीं जाने का होता है, क्योंकि स्कूल बस होती है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल होती है. गांव में क्या था कि गांव में रिलीजियस स्कूल हुआ करती थी, टेंपल में स्कूल हुआ करती थी. टेंपल में जो प्रेस्ट थे वही उसे पढ़ाते थे, अल्फाबेट भी पढ़ाते थे और रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हुआ करती थी वो भी पढ़ाते थे, राइट. लेकिन यहाँ तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल, बस में जाने का. तो जो कंपेनियनशिप थी, जो फ्रेंडशिप थी, राइट, वो धीमे धीमे स्लोली स्लोली ही सही लेकिन कम होती जा रही थी. यहाँ तक हम ये स्टोरी में पहुंचे थे, राइट. So now let's move on from here. As the years rolled by, we saw less of each other. Rolled by. Here today I have written all the hard words and the meaning of the hard words here on the board actually. And today I read from textbook, right? So that we can go through with the paragraphs very fluently. Okay. As the years rolled by means time pass. जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे से वैसे दूर जाते गए, right? दूर से लगने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. Yeah, कुछ समय के लिए तो दादी खुशवंत सिंह को जगाया करती थी, right? स्कूल के लिए ready किया करती थी, okay. लेकिन फॉर सम टाइम, राइट, व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी. जब स्कूल से मैं वापस आता था, राइट, तब वो मुझे पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि वहां स्कूल पर टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया आज, राइट. जैसे वो गांव में भी, गांव में तो क्या है कि वो साथ ही चलती थी, इसलिए वो रास्ते में ही पूछा करती थी, राइट, कि टीचर ने क्या सिखाया, टीचर के जो सिखाया वो अच्छे से बोले कि नहीं. वो कन्वर्सेशन रास्ते में ही चलता था. लेकिन यहाँ तो वो स्कूल पर छोड़ने जाती नहीं थी, स्कूल बस लेने आती थी, राइट. तो स्कूल बस में जाते थे, स्कूल बस में ही वापस आते थे. जैसे ही स्कूल बस से वापस आते थे, दादी उसे पूछती थी और खुशवंत सिंह बताते थे कि आई वुड टेल हर, मैं उससे बताता था कि इंग्लिश वर्ड्स मुझे सिखाए गए, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ाई होती है, इंग्लिश की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, राइट, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, ये सब जो साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, वो सब कुछ जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, वो सब पढ़ाई में करके आया हूँ, ऐसा मैं बताता था उसे. लेकिन दादी दिस मेड हर अनहैप्पी. लेकिन जो मैं बताता था कि ये सब मैं पढ़ के आया हूँ, ये सब सुन के दादी है, वो दादी क्या होती थी, अनहैप्पी होती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद द लेसन्स, क्योंकि पहले क्या था, गांव में तो वो मुझे लेसन्स में भी हेल्प करती थी, राइट, क्योंकि वो रिलीजियस लेसन्स भी होते थे, राइट, तो उसमें वो मुझे हेल्प किया करती थी गाँव में. लेकिन अब ये इंग्लिश मीडियम की स्कूल में मैं पढ़ के आता हूँ, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम की स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उसमें वो मुझे मदद
नहीं कर पा रही, वो नहीं कर सकती. she did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. दादी को ये सब जो पढ़ाई जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में हो रही थी उसमें उसको यकीन ही नहीं था, और यकीन इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड हो गई थी. डिस्ट्रेस्ड यानी कि एक्सट्रीमली सोरो और एक्सट्रीमली अनहैप्पी अबाउट दैट. वो डिस्टर्ब्ड हो जाती थी, वो अनहैप्पी हो जाती थी ये सुन के, ये सब पढ़ाई के बारे में सुन के, क्योंकि वो सोचती थी कि इसमें तो कभी इसमें तो गॉड की कोई पढ़ाई है ही नहीं. स्क्रिप्चर्स रिलीजियस और धर्म के बारे में तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं, राइट. तो ये सब उसको पसंद नहीं था इसलिए वो अनहैप्पी हो जाती थी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने आके बोला, स्कूल से रिटर्न आके मैंने बोला कि हमको आज तो म्यूजिक की लेसन्स दी है, म्यूजिक की लेसन्स बराबर छे, म्यूजिक की लेसन दी है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुन के वो डिस्टर्ब हो गई दादी. क्यों? टू हर उसके हिसाब से म्यूजिक सिंगिंग ये क्या है, हर ल्यूड एसोसिएशंस दैट इज इनडिसेंस और ऑब्सेंस, डर्टी, ये गंदी बात है, म्यूजिक अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो सोचती थी. उसके हिसाब से म्यूजिक अच्छी बात नहीं है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हारलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक्स. ये तीनों शब्द जरा समझिए क्या, मोनोपोली यानी इट्स कंप्लीटली ऑनरशिप, यानी कि ये तो किसका काम है, ये म्यूजिक, ये सिंगिंग करना. यार दादी मानती थी कि ये सिंगिंग करना तो हारलॉट प्रोस्टिट्यूट वैश्यावृत्ति वैश्याओं का काम है, ऐसा वो मानती थी. वो बैगर्स, वो भीख मांगते हैं, राइट, वो भीख मांगते गाने से जो भीख मांगते हैं, गाने से जिसको जो एंटरटेन करते हैं वो हारलॉट, ये तो उसका काम है. म्यूजिक जेंटल फॉक्स का काम नहीं है, अच्छे लोगों का काम नहीं है, राइट, ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है, ऐसा वो सोचती थी. राइट, दादी ऐसा सोचती थी क्योंकि दादी तो पुराने जमाने की है, दादी को क्या पता नया जमाना, राइट. दादी शहर में नहीं रही है, दादी को क्या पता कि नए जमाने में तो ये इंडियन आइडल का जमाना है, ये सारेगामा पा का जमाना है, लिटिल चैंप्स भी है, राइट, ये नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे स्टार हो चले हैं, राइट, ये इसका ये सब म्यूजिक की कितनी इंपॉर्टेंस है आज ये मॉडर्न एरा में, राइट. तो ये दादी को तो पता नहीं, दादी को तो ये ओल्ड जमाना जो था उस जमाने में जैसे थे वैसे ही वो बात कर रही. आगे बढ़ते हैं जरा, राइट. सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, राइट, वो कुछ बोली नहीं खुशवंत सिंह को. बट लेकिन हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी जो चुपकी थी वो चुपकी समझ में आती थी कि ये चुपकी बताती है कि वो इस बारे में डिसअप्रूवल है, असहमत है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है. सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद में तो बहुत कम समय वो मुझसे बात किया करती थी, रेयरली हार्डली, राइट, कभी कभी बात किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब मैं कॉलेज में, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ऑन, तब मुझे अपना खुद का रूम अलग से दिया गया. अब तो क्या होगा, अभी तक जीवन में मैंने हमेशा क्या किया, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, मैंने हमेशा क्या किया, शेयरिंग विद ग्रैंडमदर, राइट, तो रूम शेयरिंग किया ग्रैंडमदर, गांव में भी और शहर में भी दोनों जगह, राइट. नाउ द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप ब्रेक कंप्लीटली, ब्रेक सडनली एंड कंप्लीटली, यानी जो कॉमन लिंक थी दोनों के बीच में कि एक बार तो वो मिलना ही पड़ता है क्योंकि ये एक ही रूम वो शेयर कर रहे थे, राइट, आज तक वो कॉमन लिंक ही अब वो ब्रेक हो गई, राइट, कंप्लीटली ब्रेक हो गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेक्लूजन दैट मीन्स लॉनलीनेस,
And here, resignation means to accept the situation without opposing anything, right? So here, what means कि जो दादी थी उसने ये accept कर ली situation कि अपनी loneliness ने उसने accept कर ली, right? और कोई opposite इसके सामने कोई opposite word उसने कहा ही नहीं, उसने opposing नहीं किया, right? उसके सामने कि उसने ऐसा कोई कि ये मेरे को दिक्कत है, right? ऐसा नहीं बोला ही नहीं, right? उसने ये accept कर लिया ये situation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. उसने अपना काम start किया spinning wheel. Spinning wheel यानी के a household machine with a wheel attached to it for spinning yarn. Yarn or wool, right? Wool के लिए वो ऐसे spinning करते हैं, right? ऐसे spinning होता है wheel, right? वो wheel वाला spinning wheel वाला वो machine वो चलाती रहती थी पूरा दिन, right? और किसी के साथ बात नहीं, वो अपने काम में वो खो गई अपने काम में. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. एक ही काम, जब दिन शुरू होता है sunrise से लेके sunset तक एक ही काम उसका रहता है, spinning wheel करते रहो, right? अपनी वो मशीन चलाते रहो, अपना काम करते रहो, और अपना काम करते करते और reciting prayers, और अपनी जो religious prayer थी वो गाती रहती थी, right? यही काम वो करती थी. और only in the afternoon she relaxed for a while. Afternoon के समय में थोड़ी करे for some time वो relax होती थी to feed the sparrows, sparrows को खिलाने के लिए, right? While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirruping sound. जब वो वेरेंडा में बैठती थी, क्या करती थी वेरेंडा में बैठकर? ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड लेती थी, उसको ब्रेक करती थी, टुकड़े करती थी. कितने टुकड़े? लिटिल बिट्स, छोटे छोटे कितने टुकड़े करती थी. हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ जाते थे अराउंड हर, उसके आजू बाजू में, और वो क्या करते थे? A veritable bedlam of chirpings, यानी veritable that's called real chirping or noisy sounds करते थे वो, right? वो birds, क्योंकि उसको भी भूख लगी होगी, right? वो भी hungry हुए होंगे, इसलिए वो hungry sounds वो किया करते थे birds सब. और दादी है वो ऐसे छोटे-छोटे bits करके उसे खिलाया करती थी. Some came and perched on her legs. कुछ birds तो ऐसे थे जो आके उसके पैर पर बैठ जाते थे. Others on the shoulders, कोई birds ऐसे भी थे जो shoulders पर बैठ जाते थे. Some even sat on her head, कोई तो head पर भी बैठ जाते थे. She smiled, वो smile करती थी, वो इसको annoy नहीं करती थी, right? इसको avoid करके annoy हो जाती थी, ऐसा नहीं था, right? But never should them away, should that means by shouting and let them go, right? कि उसको भगाती नहीं थी, उसको ये अच्छा लगता था, उसको इसको खिलाना अच्छा लगता था, वो सब आके बैठते थे तो अच्छा लगता था ये birds के साथ, उसको उसका समय जो वो time pass करती थी, right? वो उसको अच्छा लगता था. It used to be the happiest half hour of the day for her. उसके लिए तो ये happiest half hour था. ये दिन का आधा घंटा जो बर्ड्स के साथ वो बिताती थी वो उसके लिए the happiest one था, right? Now when I decided to go abroad, जब मैंने सोचा कि चलो अब मैं abroad जाता हूँ, out of country, right? Out of country, this is the last paragraph that today I am going to explain to you, okay? Then after I conclude this lecture, okay? When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने सोचा कि चलो अब out of country जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, मुझे पता था, मैं sure था कि मेरी grandmother है वो upset हो जाएगी. I would be away for 5 years, और मैं जाने वाला था 5 साल के लिए. अब 5 साल के लिए हो. And at her age, one could never tell. और ये उसकी ये उम्र में कोई कह नहीं सकता.
کہ پانچ سال کے بعد میں آؤں اور وہ زندہ رہے، ایسا کہہ نہیں سکتے، بٹ کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا، بٹ مائی مدر کڈ، مائی گرانڈ مدر کڈ، لیکن میری دادی کہہ سکتی ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا سمے آ چکا ہے یا نہیں آ جا نہیں آیا ہے، رائٹ اسے پتہ چل جاتا ہے، رائٹ اسے من میں ایسا لگنے لگتا ہے، شاید میری دادی کو پتا کہ اس کا سمے آئے گا یا نہیں، پانچ سال کے بھیتر ہی. ناؤ آگے بڑھتے ہیں. سی واز ناٹ ایون سینٹیمنٹل، سینٹیمنٹل یعنی ایکسپریسنگ ٹینڈر ایموشنز. اس نے میں جا رہا ہوں، میں ودیش جا رہا ہوں، رائٹ پڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پانچ سال کے لیے جا رہا ہوں، پانچ سال تک میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن وہ سینٹیمنٹل ایموشنل نہیں ہوئی. رائٹ سی کیم ٹو لیو می ایٹ دا ریلوے اسٹیشن، وہ ریلوے اسٹیشن مجھے چھوڑنے کے لیے بھی آئی، بٹ ڈڈ ناٹ ٹاک اور شو اینی ایموشن، لیکن میرے سے بات نہیں کی، اور کسی پرکار کا اس نے اپنا ایموشنس ظاہر نہیں کیا. رائٹ ہر لپس موڈ ان پریئر ایز یوزول، وہ پریئر مرمر کر رہی تھی، بول رہی تھی، رائٹ ایسے ہی جیسے بولتی ہے. ہر مائنڈ واز لاسٹ ان پریئر، اور اس کا من وہ تو کھو چکا تھا، پریئر میں ہی کھو چکا تھا. رائٹ ہر فنگرس ویئر بیزی ٹیلنگ دا بیڈس آف ہر روزری، اس کے ہاتھ میں ایز یوزول رائٹ وہ جو مالا ہوا کرتی تھی بیڈس کی، موتیوں کی مالا، وہ ایسے ایسے لگا کے کاؤنٹ کرتی تھی اور پریئر بولتی تھی، اور وہ پریئر میں ہی بیزی تھی. رائٹ ناؤ سائلنٹلی سی کسڈ مائی فور ہیڈ اینڈ وین آئی لیفٹ آئی چیریسڈ دا موائسٹ امپرنٹ ایز پر ہیپس دا لاسٹ سائن آف فزیکل کانٹیکٹ بٹوین اس. جھکاس سینٹینس ریٹن بائی خوشونت سنگھ، ونڈرفل سینٹینس ریٹن بائی خوشونت سنگھ. وین ایٹ دا مومنٹ آف لیونگ، جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ٹرین میں بیٹھ رہے تھے، تب میری دادی نے مجھے، خوشونت سنگھ بول رہے کہ میری دادی نے مجھے فور ہیڈ پر کس کیا، اور کس کر کے جو موئسٹ، جو ویٹ، جو ویٹنس تھی، وہ ایسی مجھے لگ رہی تھی کہ میں چیریسٹ ہو گیا، میں فل آف جوائے، رائٹ فل آف جوائے ہو گیا. یعنی کہ چیریسٹ مینز ہولڈ سم تھنگ جسٹ لائک اے ڈیا. رائٹ وہ مجھے اتنی پیاری لگنے لگی میری دادی. رائٹ جیسے ہی مجھے وہ کس کیا، جیسے ہی وہ موئسٹ، وہ ویٹ، وہ میرے فور ہیڈ پر تھا، امپرنٹ، وہ امپریشن، وہ امپریشن جو لونگ امپریشن تھا، وہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ سائن ہے، یہ سمبول ہے، یہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ یہ فزیکل کانٹیکٹ، یہ گلے لگانا، یہ پیار سے کس کرنا، رائٹ میری دادی کا مجھ سے شاید یہ لاسٹ ٹائم کا ہوگا، برابر ایسا مجھے لگ رہا تھا. رائٹ لیکن اب آگے کی سٹوری، آگے کیا ہوگا پتا نہیں ہے. اب وہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، پانچ سال کے لیے آؤٹ آف کنٹری. رائٹ جب وہ واپس آئے گے کیا ہوگا پتا نہیں. آگے کی سٹوری ہم نیکسٹ پارٹ پر لیں گے. رائٹ ہیو اے نائس ڈے، گڈ بائے، ٹاٹا.